हेलो गाइस, मैं मोहम्मद जाफर सज्जाद आपका अपने चैनल डेंशियल एक्शन में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ रिएक्शन वीडियोस नहीं देता, मैं मुख्तलिफ वीडियोस देता हूँ। अब थोड़े दिन पहले ना मुझे रिक्वेस्ट आनी थी मेरे पर्सनल नंबर पर, मेरे मैसेंजर पर, मेरे कमेंट बार पर, कि आप, मैं एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहा हूँ, कि आप फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं। तो मैंने, मुझे अगर एक रिक्वेस्ट होती तो मैंने उन्हें बता देता, लेकिन अब रिक्वेस्ट ही ज़्यादा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक दो दिन का टाइम दें, मैं आपको अपना लेक्चर, मैं आपको अपनी वीडियो एक यूट्यूब पे बना के सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। तो वो मेरा एग्रीमेंट उनसे ये हुआ, लेकिन वो मान के चलो शुक्र है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे, तो उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ, 1 2। अच्छा, तो गाइस, फ्रीलांसर बनने का 3 तरीके होते हैं। वो तीन आपके पास उसके प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। जो सबसे पहला बताऊंगा वो बेसिक सा बताऊंगा और आसान सा बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से इंसान को शुरू करना चाहिए और फर्दर इससे आगे मूव करना चाहिए। तो जी, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, उसे हम कहते हैं जी फेसबुक। फेसबुक पे मुख्तलिफ पेजेस बने होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हैं, जिसके लाखों हज़ारों की तादाद में मेंबर्स होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं। वो वहाँ पर अपना काम डालते हैं। अब वहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं वो ना सिर्फ फ्रीलांसर होते हैं और ना ही मतलब वो कोई दूसरे होते हैं। उसमें सिर्फ दो बंदे काम कर रहे होते हैं, एक होता है फ्रीलांसर और दूसरा होता है जो काम करवाना चाह रहा है, जो आपसे लॉन्चिंग करवाना चाह रहा है। तो एक बंदा, अब आपके एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसमें 1.5 लाख मेंबर है, उस 1.5 लाख मेंबर में से तो ये तो नहीं होगा कि मतलब 1.5 लाख ही फ्रीलांसर हो, ना, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ मतलब आधी तथा अगर 50% है तो 60% फ्रीलांसर होते हैं, बाकी 40% वो काम लेने वाले होते हैं। तो वो अपने काम की रिक्वेस्ट पोस्ट डालते हैं कि अगर बिलफर्ज मैं एडिटिंग का काम कर रहा हूँ, मैं एज अ फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग करना चाह रहा हूँ एडिटिंग के तौर पर, वीडियो एडिटिंग के तौर पर, तो मैं अब उस जो पोस्ट, अब जो उसकी एक दिन की पोस्ट आती है ना, वो हज़ारों की तादाद में आती है, हज़ारों की तादाद में आती है, और मुख्तलिफ काम होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ वीडियो एडिटिंग होती है, बल्कि उसमें वर्डप्रेस का काम होता है, ग्राफिक्स का होता है, जीमेल का होता है, फलां 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 जो भी मिला के ना, वो सारा आपको एक प्लेटफॉर्म पे अता मतलब दे दिया जाता है। आप उसमें आपने करना होता है। अब आपने उसमें से अपने काम के मुतालिक वाली पोस्ट ढूंढनी है ना। अब आप पोस्ट देख रहे हैं, आपके पास वर्डप्रेस की आ रही है, आपके पास जीमेल की आ रही है, आपके पास क्वेश्चंस की आ रही है, तो आप उसमें से कौन सी ढूंढेंगे? अपनी जो आपको काम आता है, मुझे एडिटिंग आता है तो मैं एडिटिंग ही दूंगा, आपको वर्डप्रेस आता है आप वर्डप्रेस ढूंढेंगे, आप अगर आप लोगो मेकर हैं तो आप लोगो मेकर वाले ढूंढेंगे, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर तो आप ग्राफिक वाले ढूंढेंगे। ठीक हो गया। अब आपने मुख्तलिफ पोस्ट ढूंढनी है, उसमें से पोस्ट ढूंढनी है जो आपके काम के मुतालिक हो। तो अगर मैं एज अ फ्रीलांसिंग यूज कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, तो मैं वीडियो एडिटिंग की पोस्ट देखूंगा, मैं बाकियों को इग्नोर करूंगा। जो मुझे मेरे मुतालिक आएगी तो फिर मैं उसके नीचे उन्हें कमेंट करूंगा, उन्हें इस चीज की तरफ माइल करूंगा उन्हें कि मैं आपका काम अच्छा कर सकता हूँ। अब उसमें अगर अगर आप देखें ना, एक पोस्ट अगर 1 मिनट में आ रही है तो अगले मिनट में उसके नीचे 20 कमेंट्स होंगे और वो यही होंगे कि आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम अ गुड पर्सन, अगर आप मेरे साथ काम करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छा करते हैं। अब वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फेसबुक के कमेंट बार से। तो आप ना इनबॉक्स करते हैं, और जहाँ पे आप काम करना चाह रहे हैं उसका नीचे वो दे रहे हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे करना चाह रहे हैं, अगर नंबर पे करना चाह रहे हैं तो आप नंबर वगैरह लिख देते हैं। अगर आप उससे इस तरफ कन्विंस्ड, अगर आप उसे इस तरफ तवज्जा दिलाने में कामयाब हो गए कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर हैं और वो आपके साथ जुड़ गया, तो वो इंशाल्लाह आपको लेके चलता रहेगा फर्दर स्टेप की तरफ। आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी होगा, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं। जो लॉन्ग टर्म होगा, आपने उसका काम पहला अच्छा कर दिया, तो वो आपको फर्दर आगे लेके चलता रहेगा। अब जो मेन बात मुझे पता है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, आप पैसे कैसे कमाएंगे? तो पैसे आप बिल्कुल इसी से कमाएंगे। वो कैसे? अगर आप एक बंदे को इसी तरफ लेके आ रहे हैं कि मैं आई एम अ बेस्ट, आई एम अ बेस्ट, तो वो आपकी तरफ आएगा।
तो जब वो आपकी तरफ आएगा तो वो आपको उस वीडियो का उस काम का कुछ ना कुछ तो पे करेगा। आप सबसे पहले उसका काम नहीं करते, आप सबसे पहले उससे वो उसकी प्राइस के बारे में पूछते हैं कि कितनी प्राइस दोगे मुझे। वो आपको ऑफर करता है कि अगर बिलफर्ज मैं हूँ, मैं 4,000 में कर रहा हूँ, अगर मैंने माइंड सेट किया होगा कि मैं 4,000 में करूँगा, मैं उससे पूछूंगा व्हाट इज़ योर प्राइस, तो वो मुझे बताएगा 2,000। तो लेकिन मैंने तो अपना माइंड सेट किया 4,000 का, तो मैं उसे कहूँगा नहीं जी मैं आप इसे थोड़ा सा बढ़ाए, मैं इसे 4,000 में करूँगा। तो वो कहेगा नहीं जी आप मतलब मिल मिला के आपकी जो भी एक वैल्यू बनेगी आपको सूटेबल आपको भी होगी उसको भी होगी, तो वो अफोर्डेबल होगी, वो उस पर आपको ओके कर देगा। जब आप उससे माइल करें कि अब आप उसे इस बात का पूछें कि आप मुझे पैसे कब दोगे, पहले दोगे कि बाद में दोगे, ये आपका फर्दर प्रोसेस। आप जैसे भी उसे कन्फिट करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे भी उसे आप करना चाह रहे हैं, तो वो आपको बताएगा। पहला प्लेटफॉर्म हो गया फेसबुक का। और मैं जो नए फ्रीलांसर हैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि आप अपना काम फ्रीलांसिंग का शुरू करना चाह रहे हैं तो फर्दर पहला स्टेप होगा फेसबुक, इसी से स्टार्ट करें क्योंकि इसी से आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करें, फिर आप फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके लिए भी जानना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, फर्द कुछ एप्लीकेशंस बनी होती हैं प्ले स्टोर पे या वेबसाइट्स होती हैं, उस पे आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। जैसे कि पूरी ओवर ऑल दी वर्ल्ड कुछ वेबसाइट्स हैं जो पूरी दुनिया में चल रही होती हैं, उसमें पहले आती है जी कुछ आती हैं, लेकिन पहले नंबर में मैं अपने सीक्वेंस में रख रहा हूँ, पहले आती है फीवर, fever.com, फिर उसके बाद आती है जी पीपल पर, और फिर ऐसे मुख्तलिफ आती हैं वेबसाइट्स या एप्लीकेशन जिस पे आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे होते हैं। अब उस पे कैसे काम होता है, जैसे काम फेसबुक पे होता है पोस्ट आती है, आप अपने मुताबिक उसे बताते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, एप्लीकेशन से पे भी पोस्ट आती है आपके काम के मुताबिक। तो जो जब 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 आप वो पोस्ट देखते रहेंगे, वो जब आप जो आपके काम के सूटेबल होगी आप उसी को मुताबिक उसे कहेंगे, तो आप उसको चूज करेंगे और कहेंगे मैं आपका काम कर सकता हूँ। तो वो अगर हो गया तो अच्छा, अब जो मजे की बात है ना, फेसबुक पे जो काम हो रहा है और जो यहाँ पे हो रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है, जो फेसबुक पे काम हो रहा है वो हो रहा है उस पर पैसे, आपको ये नहीं पता कि 100% आप सिक्योर नहीं है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन जो वेबसाइट्स होती हैं जो एप्लीकेशंस होती हैं जैसे फीवर होगा पीपल पर होगा, ये सिक्योर है, आपको अपने पैसे यहाँ पे आते नजर आएंगे। अगर आप आपके एक बंदे के साथ डील हो गई तो वो डायरेक्ट आपको पैसे नहीं पे करेगा, वो डायरेक्ट पैसे पे करेगा जो एप्लीकेशंस होगी, वो जो एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन उस बंदे से पैसे लेकर रख लेगी, और जब आप उसको आप उसका काम प्रोजेक्ट देंगे तो वो आपको आपके पैसे दे देगी। फेसबुक पे पैसे सिक्योर हैं या नहीं है इसका नहीं, 100 इसका 100% श्योर नहीं है, लेकिन 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 जो एप्लीकेशंस पे काम हो रहे हैं, वेबसाइट्स पे काम हो रहे हैं उस पे आपके पैसे 100% सिक्योर हैं। तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करें कहाँ से, फेसबुक से, फिर फर्दर आप मूव करें फ्रीलांसिंग एप्लीकेशंस की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका सीख लिया होगा थोड़ा सा फर्दर प्रोसेस। मैं आपको जो फ्रीलांसिंग के पेज होंगे वो आप फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे, फ्रीलांसिंग ग्रुप्स या फ्रीलांसिंग के नाम से पेज होंगे वो आपके सामने, पाकिस्तान फ्री, अगर आप पाकिस्तान में पाकिस्तान के आ जाएंगे, अगर आप किसी और मुल्क में तो किसी और मुल्क के आ जाएंगे, तो आप उसके मुताबिक फ्री, अगर आप एज अ फ्रीलांसर ही लिखते हैं तो वो आपके नीचे कुछ पेज शो कर देगा, आप उसमें ज्वाइन करें और अपने काम के मुताबिक काम करना शुरू करें। इस पे एक्सपीरियंस का कोई तल्लुक नहीं है, एप्लीकेशंस पे आपको स्टार्स मिलते हैं, आपको रेटिंग होती है, उस हिसाब से आपको काम मिलता है, तो फेसबुक पे वो कोई सिलसिला नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारे कि आप क्या वाकई में इसके कुछ नॉलेज गेन कर सक पाए हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।